दोस्तों, जब भी हम छोले बनाने का सोचते हैं तो ये लगता है कि सुबह सुबह बनाएंगे, टाइम लग जाएगा। छोलों में सीटी लगाओ, प्याज काटो, टमाटर काटो, ओहो तड़का भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो चलो आज छोले बनाने की रेसिपी को इतना आसान कर देते हैं कि उसको देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। इस सब कुछ कुकर में एक साथ डालकर कैसे हम टेस्टी छोले बना सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे, सच में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के काबुली चने लिए हैं और पहले ही इनको भिगा कर रखा है रात भर के लिए। भीगे हुए छोले ही एकदम नरम बनते हैं और कोशिश आप ये करना कि आप फ्रेश छोलों का इस्तेमाल करो। अगर आपके छोले 6 महीने से ज्यादा पुराने हैं तो ध्यान देना कि वो हार्ड बनेंगे, सख्त बनेंगे, सही से नहीं गलेंगे। कटिंग चॉपिंग में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो बड़ी मजेदार है। टमाटर की बस अब रूट निकाल देना और उसको आधा काट देना। रही बात प्याज की, तो आप चाहो तो आप उनको 4 भाग में भी कर सकते हो और पूरा पूरा डाल दो, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए मेरी तरह, तो आप थोड़ा सा काट सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चने के हिसाब से 2 प्याज और 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है और इतने ही बहुत होंगे। हाँ, लेकिन कुकर में डालते वक्त आप ना ये चीजों का ध्यान देना, चनों के साथ आप प्याज टमाटर के अलावा दालचीनी डालना, हरी मिर्ची डालना, खुशबू देंगी बहुत ही बढ़िया। बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, ये सब आप डालना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और उबालते वक्त नमक डालना बिल्कुल मत भूलना। अब पानी कितना डालना है, पानी आपने सिर्फ इतना डालना है कि वो चनों को कवर करे। बस ये देखो मेरी उंगली कैसे टच कर रही है चनों को, इतना पानी आपने डालना है। प्याज टमाटर को नहीं डुबाना, चनों को डुबाना है बस। अगर आप ज्यादा पानी डालोगे तो बाद में आपको ही और आपकी गैस को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ध्यान देना दोस्तों इस बात का। थोड़ा सा मैंने मिला दिया है, सीधा ही ढक्कन लगाया है, गैस को ऑन किया है और मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है। मीडियम लो फ्लेम पर मेरे कुकर में 6 सीटी में आराम से चने गल जाते हैं। आपको थोड़ा अपने कुकर के हिसाब से कुकिंग करनी होगी, लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज 5 से 6 सीटी में चने बहुत बढ़िया तरीके से गल जाते हैं। बस अब सीटी लगने के बाद गैस को बंद कर देना और कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक एक बढ़िया सी चाय भी बना लेते हैं, है ना। कि दोस्तों, अगर आपको बाजार जैसा टेस्ट चाहिए और टेक्सचर भी चाहिए, तो आपको एक थोड़ा सा रिएक्शन करना होगा। आप बस 2 कप पानी लेना और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चाय पत्ती के डाल देना, जो आपकी फेवरेट चाय पत्ती हो, और इस चाय के पानी को आप अच्छे से कड़ा लेना, यानी कि चाय का फ्लेवर इसमें अच्छे से आना चाहिए, एसिडिक हो जाना चाहिए ये, और ये बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा दोस्तों। मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगा। चाय को अच्छे से उबाल के आप साइड में रख देना और उतनी देर में कुकर भी ठंडा हो जाएगा। तो चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अंदर क्या हुआ है। अभी अभी चने तो नहीं बने हैं, लेकिन आप ये देखो कि चने एकदम सॉफ्ट हैं, है ना। लेकिन अभी इसमें एक चीज है, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये करना कि जो टमाटर है उनका छिलका जरूर निकाल देना, नहीं तो वो गलेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप खड़े मसालों को निकाल देना, क्योंकि कई लोगों को वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने एक एक करके सारे खड़े मसालों को निकाल दिया है और ये एक छोटा सा टमाटर का छिलका रह गया था, इसको भी निकाल दिया था। तो अब आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं नहीं आप ये देखो, प्याज टमाटर को छूते ही आहा, हमारा काम हो गया बस। लेकिन अब ये चीज देखो, अगर मैं चने का छिलका उतारता हूँ ना दोस्तों, ये जो छिलका है ना, यही आपको वो फील देता है कि आपके चने हार्ड हैं, क्योंकि ये गलता नहीं है। ये देखो, चने तो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो ये छिलका है ना, ये हार्ड रहता है। और अगर आपको बाजार जैसे छोले बनाने हैं, तो आपको इस चीज को ट्रीट करना होगा। तो इसलिए अब आप यहाँ पर डालना चाय जो हमने उबाल के रखी थी ना, वो पानी आप यहाँ पर डालना। 2 कप उबाल के 1 कप में हो गए थे, तो ये आप पानी डाल देना। और इस टाइम पर आप मसाले डालना, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक स्पाइसी वाली लाल मिर्च और चना मसाला 2 बड़े चम्मच। अपना फेवरेट ब्रांड का चना मसाला आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब आपने यहाँ पर उबालना है इन चनों को चाय के पानी से। बेसिकली चनों को आपने थोड़ी सी चाय पिलानी है, जिससे कि इनके अंदर वो एसिडिकनेस चले जाए। और जैसे ही ये पानी उबल उबल के आधा हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, और चनों का कलर हल्का सा बदल जाएगा, तो अब आप गैस को बंद करना। और गैस बंद करने के बाद फिर आप यहाँ पर डालना 1/2 चम्मच तक बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, इनो नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा। इससे होगा क्या कि वो जो मैंने आपको छिलका दिखाया था ना, वो पतला सा हो जाएगा दोस्तों, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चने बहुत नरम लगेंगे, और इससे हमारी जो चने हैं उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि सोडा को बैलेंस करने के लिए हमने ऑलरेडी चाय डाली हुई है। मैंने इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी बता रखा है अपनी वीडियोस में, आप चाहो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और वो देख भी सकते हो। लेकिन अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उबालना है जब तक कि सारा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और आपको एक बढ़िया सी तरी नहीं मिल जाती।
एकदम एंड में आते आते आप यहाँ पर गरम मसाला डालना, आमचूर डाल देना एक चम्मच तक, अगर अनारदाना है तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा, और कसूरी मेथी, ये सब डालकर आप थोड़ी देर और पकाना ताकि सारे फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। और ये स्टेप जरूर कर देना दोस्तों, अगर आपको चनों का टेक्सचर बढ़िया सा चाहिए तो आप थोड़े से चनों को ऐसे क्रश कर देना अपने कुकर की हेल्प से, बहुत ही बढ़िया गाढ़ा सा टेक्सचर आने लग जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, एकदम ही गाढ़े मत कर देना अपने चने, हल्का सा पानी जरूर रखना क्योंकि पड़े पड़े छोलों से स्टार्च निकलता है और वो अपने आप ही गाढ़े हो जाते हैं। और एकदम एंड में मैंने यहाँ पर धनिया और अदरक डाल दी है। अब मैं अगर आपको चना दिखाऊं ना तो आप ये देखो, उसका छिलका बहुत आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इतना सॉफ्ट सा हो जाएगा कि वो ऐसे ही पकड़ के गल जाएगा। चने तो सॉफ्ट थे ही। और यही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको वो टेक्सचर लाकर देती है बाजार वाला। आप चाहो तो आप ऐसे चने खा सकते हो बिना तेल के, आहा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं तो इसका फ्लेवर और एनहांस करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा तड़का भी मारा है। अच्छे से मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको बहुत अच्छे से गरम किया है, और गरम गरम तेल में आप थोड़ी सी हींग डालना, थोड़ा सा आप जीरा डालना, दो हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली है, साथ में हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, और बस हल्का सा इनको पकाकर सीधा ही चनों के ऊपर डाल दिया है। और फटाफट से ढक्कन जरूर लगा देना। ओहो दोस्तों, जो खुशबू आएगी ना, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। और इतनी सिंपल, इतनी इजी रेसिपी कभी भी बना सकते हो आप इसको, भटूरे, कुलचे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाना, आपको बहुत पसंद आएंगे दोस्तों होली पे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वो कैसी लगी।